जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, प्यारी संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के रूम में बड़े प्यारे दर्शन कराऊंगी ज्योति के, जो कि सुबह से ही हो रहे हैं। और मैं अपना हर सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। और मेरा आज का ये सत्संग है संगत जी, ये देखिए यहाँ कोई हवा, कोई पंखा, कोई कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक ये देखिए यहाँ भी पंखा बंद है। और ये देखिए गुरु जी महाराज कितने प्यारे संगत जी दर्शन दे रहे हैं। ये ओम देखिए, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ कैसे घूमता जा रहा है संगत जी। ये कितने प्यारे संगत जी गुरु जी के दर्शन है। तो इस तरह के दर्शन को आप क्या कहेंगे संगत जी। गुरु जी किसी ना किसी रूप में आपको ब्लेस करते हैं, अपना होने का प्रमाण देते हैं। तो सुबह से ही ये लड़ी हिलती जा रही है निरंतर संगत जी, बहुत ही प्यारे गुरु जी अपना होने का प्रमाण दे रहे हैं। और ये प्रमाण गुरु जी ना भी दे संगत जी, तब भी मुझे एक अनकंडीशनली अपने प्यो पर ट्रस्ट है कि वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हमारा। बस हम खुश हो जाते हैं ये वाले दर्शन करके, जब हमें इस तरह के कोई दर्शन होते हैं, जब इतने सारी ये फ्लावर्स की ये जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं संगत जी हिल रही, केवल और केवल एक ये लड़ी हिल रही है। और साथ ही में एक और दर्शन होने हैं संगत जी, मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए कैसे कितने प्यारे दर्शन दे रही हैं गुरु जी महाराज। ये देखिए कैसे हिल रही है ये लड़ी, घूम रही है। और सुबह जब भजन चलाए थे ना, पूरी भजनों की धुन पे घूम रही थी। और साथ ही साथ आज संगत जी ज्योति के भी बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए बिना हवा के ये ज्योति कैसे हिल रही है, और एक से दो दो ज्योतियां बन रही है संगत जी। ये देखिए कैसे एक से दो दो ज्योतियां बन रही हैं। तो कितने प्यारे गुरु जी महाराज जी के दर्शन है संगत जी। ये देखिए कितनी तेजी से हिल रही है और एक से दो दो ज्योतियां निकल रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके जो भी बच्चे ये दर्शन करें और उनकी हर मनोकामना गुरु जी महाराज आप पूरी करना, उनके अंग संग रहना। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी महाराज, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल होती है तो गुरु जी हमें माफ करना संगत जी। कितने प्यारे दर्शन है ये देखिए, बहुत ही प्यारे अद्भुत से दर्शन हो रहे हैं आज ज्योति के। एक से दो दो ज्योतियां हो रही हैं और बिना किसी पंखे, बिना किसी हवा के। तो ऐसे तकरीबन संगत जी ये दर्शन होते रहते हैं। लेकिन कभी जब गुरु जी की इच्छा, मैं कहूँगी जब गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं आपसे शेयर करती हूँ ये दर्शन। नहीं तो इतने दिन पहले भी ये दर्शन हो रहे थे, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज शायद गुरु जी की मर्जी। ये देखिए किस तरह से ये डोल रहा है ओम। संगत जी ये हैं आज के गुरु जी के दर्शन। और संगत जी मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ आज संजय नगर में, किसी की शादी है और शादी का वो सत्संग कराना चाहते हैं, प्यारे गुरु जी महाराज जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो लो जी प्यारी संगत जी, आज हम आ गए हैं शादी वाले घर पे। ये आंटी अंकल जी के बेटे की शादी है और शादी की खुशी में आज इन्होंने प्यारे गुरु जी महाराज जी को अपने घर पर बुलाया है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी महाराज इनके घर में ढेरों ब्लेसिंग्स, खुशियाँ और ना जाने क्या क्या आज इनको दे के जाएंगे, सबकी खाली झोलियाँ भर के जाएंगे। आइए प्यारी संगत जी, सब मिलकर करते हैं प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना, जो हमें रोज़ ये सेवा देते हैं उसका शुक्राना, जो संगतों तक ये दर्शन पहुंचाते हैं उसका शुक्राना, जो संगतें इतना ब्लस लंगर प्रसाद का सेवन करके अपनी रोग बीमारियों को दूर भगाती हैं उसका शुक्राना। और ऐसे लोग, ऐसी संगतें जो गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और थ्रू इन वीडियोस के माध्यम से गुरुजी महाराज जी के बारे में जान रही हैं, गुरुजी इसका भी शुक्राना। जब हम संगत जी गुरु जी के करीब बैठते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनकी बानियाँ सुनते हैं, और जब ये मधुर शब्द और बानियाँ हमारे कानों में पड़ती हैं संगत जी, तो हमारे जो शरीर के रोग बीमारियाँ हैं, हमारे तन की जो कष्ट है, हमारे तन के, हमारे जीवन में जो आने वाली परेशानियाँ हैं, जो बलाएँ हैं, जो रुकावटें हैं, जो भी हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, सब कट जाती है जहाँ बैठे बैठे ही। और केवल संगत जी हमें 20% अपने कष्टों का भुगतान करना पड़ता है, 80% कष्ट हमारे सत्संग में ही संगत जी कट जाते हैं। और सारे सेवादार बारी बारी मिलके करा रहे हैं आरती प्यारे गुरु जी महाराज जी की, और ये है परिवार के सदस्य और शादी वाला लड़का। तो सारी संगत मिलकर इसे ढेरों ब्लेसिंग दे, ताकि इनकी जो नया जीवन, नई जिंदगी हो, वो खुशियों भरी हो। सारी संगत को डेरा बनाई है गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आज को आए हैं, और बड़े खुशकिस्मत संगत जी हम हैं जो गुरु जी के चरणों
कानों में हाजिर लगाते हैं, तो संगत जी मिलकर हाजिर लगा लो और उसके बाद परिवारों पर जाकर गुरु जी महाराज जी से शुक्राना करेंगे और किसी के पास कोई भी सत्संग होगा तो वो शेयर करेगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना अपने सारे बच्चों की हाजिरी स्वीकार करना मेरे दाता। तो बहुत सारी ढेरों बधाइयां अंकल जी आंटी जी आपको, आज आपके घर में बड़ा खुशी का मौका है, गुरु जी आए हैं और आपके बेटे की शादी है, तो आप उठ के परिवार वाले गुरु जी महाराज जी को शुक्राना करें, शर्म नहीं करते, ये गलत बात है, ये नहीं करते, गुरु जी को बुलाते हो तो अपनी मन की बात बताते ही क्यों, और कोई सत्संग भी गुरु जी से रिलेटेड हो कि कैसे जुड़े, क्या है आपके मंडन के लिए, तो वो सब शेयर करें, शर्माना नहीं है, गुरु जी आए हैं। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका स्वागत है हमारे घर में, जय गुरु जी, गुरु जी का स्वागत है हमारे घर में, आप सब आए और गुरु जी भी आए, जो आपके मन में आता है वही, बहुत खुशी हुई आप आए, बहुत खुशी हुई आप आए, बहुत बहुत शुक्राना, और आगे मेरी बहन बोलेगी अपने शुभ विचार के साथ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ गुरु जी आज इधर आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई गुरु जी हमारे घर में आज आए हैं, मेरे भाई की शादी है, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि गुरु जी आज आए हैं, इतना बड़ा दिन है, इतना शुभ दिन है, मेरे भाई की शादी है, बहुत बहुत खुशी है मुझे आज कि सब आज मेरे घर पे गुरु जी आए हुए हैं और मेरे भाई की शादी पे, इतना बड़ा दिन, थैंक यू गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं खुद कह नहीं सकती गुरु जी, आपने मुझे जोड़ा आप 2 साल से, मैं मुझे पता नहीं मैं कैसे आपके साथ जुड़ गई गुरु जी, पता नहीं, मतलब मैं वो बहुत एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, मैं घर में अकेली रहती थी तो फेसबुक पे बातें करते रहती थी गुरु जी से, तो ना मुझे पता नहीं था, वो 1 जुलाई थी तो गुरु जी से मैं ना बात कर रहा था, बोलने लगी कि आप मेरे साथ इतना बातें कर रहे हो, तो आपका जन्मदिन आ रहा है गुरु जी, आप प्लीज अगर आपको मेरे से प्यार है तो आप मेरे घर आ जाओ, 7 जुलाई से पहले आ जाओ, तो गुरु जी 6 जुलाई को मेरे घर में आ गए, वो मुझे पता ही चला, और आप सोच भी नहीं सकते हो उस दिन मीन्स मेरे साथ, मतलब मैं वर्ड ही नहीं बोल सकती कि मैं इतनी खुशी, इतनी खुशी कि पता नहीं मैं कितने जन्मों के साथ, मतलब अपने, मतलब किसके साथ मिल रही हूँ, मेरी आत्मा किसके साथ टूट रही है, मतलब उन्होंने मुझे कैसे कर दिया समझ ही नहीं, और पता है आपको कि मिस गुरु जी ने मुझे पहला सत्संग भी दिया और गुरु पूर्णिमा पर दिया, तो मैं ना गुरु जी को ना गुरु पूर्णिमा आई 10 जुलाई को 2 साल पहले, तो मैं गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी आज गुरु पूर्णिमा, तो मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, तो ये मुझे पता है कि मैं आज गुरु का दिन है और मैंने आपको मान लिया, तो बस आज आपका मतलब दिन है, मैंने आप ही के लिए व्रत रखा है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना वो सत्यनारायण की कथा कर रही थी, अचानक मुझे हुआ कि गुरु जी का सत्संग है, किसी आंटी ने मुझे बताया कि सत्संग है, लेकिन मैं ना घर में अकेली हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सत्संग में जा पाऊंगी, कथा करते करते ही अचानक हुआ कि उठ के आ मेरे को, तो मैं चली, मैंने अपने बच्चों को बोला उठो गुरु जी के सत्संग जाना, चलो 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 जल्दी चलो, तो मैं गुरु जी के सत्संग चले गई, और आप बिलीव नहीं करोगे गुरु जी ने मुझे अपना
दिन दिया, गुरु पुण्य बाबा दिया। और इस बार गुरु पुण्य बाबा जब सेकंड मेरा व्रत आया गुरु जी के लिए, गुरु जी ने मुझे सबसे आगे अपने पास बिठाया और मैं ना व्रत था, मैंने गुरु जी आज तो व्रत है, जो कहोगे मैंने खाना ही खाना है। तो पहले तो समोसे आते ना, आपको पता चाय प्रसाद में मट्टी कुछ आता है, लेकिन गुरु जी ने ना उस दिन ना मतलब प्रसाद में बर्फी दी, तो बर्फी मिली और मैं ना सेकंड नंबर पर बैठी थी। तो मेरा बेटा एक साइड पर था, मेरी सहेली एक साइड थी, तो जैसे मतलब एक वहां पर बैठ के आप मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं गुरु जी के साथ बातें करी जाऊं, इतने में ना जब प्रसाद आया चाय प्रसाद, तो मैंने हाथ में पकड़ा कर रोने लगी। तो मैंने थैंक यू कहा कि गुरु जी बर्फी, आज बर्फी मिल गई, वाह गुरु जी बर्फी दे दी थी मैंने। तो मुझे नहीं पता था गुरु जी ने मेरे पर मेहर कर रहे हैं। और जैसे मैं खाने लगी, आप लीव नहीं करोगे, उसके ऊपर ना ओम बना था। तो गुरु जी को मैंने यार मुझे लग रहा है मैं व्यायाम कर रही हूँ शायद गुरु जी, पता नहीं मैनू ही लगा रहा था किसी और को भी लगा। मैंने अपने बेटे को बोला मैं सारा दिन ना ओम बना, बोलता हाँ मम्मा ओम बना हुआ है। तो मैंने गुरु जी का बड़ा ही शुक्राना किया कि आपने मेरे को सेकंड ही अपने व्रत पर मुझे अपना ओम का आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ा और क्या बोलूं, मेरा घर ही गुरु जी का घर है, मैंने अपना घर ही गुरु जी के नाम पर रखा हुआ है कि मेरा घर नहीं है, वो आपका घर है। और मैं आज 24 तारीख है, मैं गुरु जी से यही बोल रही हूँ कि जल्दी आओ मेरे घर आओ। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपने सुना कि किस तरह से आंटी बाबू खो के बार बार बता रही हैं कि वो गुरुजी के सब रूप से बातें करती थी, घर पे अकेली होती थी। तो संगत जी, गुरुजी ने खुद ही अपने शब्दों में कहा है कि जब भी आपका मन ना लगे, जब आपका दिल घबराए, जब आप खुद को अकेला मानो, तो सीधे डायरेक्ट मेरे पास आओ और मेरे सब रूप से बातें करो और मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। तो इसके बाद संगत जी है ऐश, गुरु नाम की ऐश, और गुरु नाम की ऐश की धूम संगत जी चारों ओर फैली हुई है। आओ मिलके करें गुरु नाम की ऐश, वो भी विदाउट कैश। मेरा होश कोई सहारा हर दम में तेरे को सहारा। जय 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 जय
चारों पास फर्स्ट आ गए गुरु जी के नाम में आप रंग गए, बिल्कुल रंग गए। बहुत मेहरबानी जी, ओम नमः शिवाय। सदा सहाय।